आमने सामने पीएम मोदी के दो करीबी, एक मोदी के हनुमान तो दूसरे हैं पीएम के खास योगी। सीएम योगी के खिलाफ चिराग पासवान ने दिया बयान, योगी के फैसले का समर्थन नहीं करते हैं चिराग। कांवड़ यात्रियों को तकलीफ ना हो इसे ध्यान में रखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ आदेश जारी किए जिसका पालन सख्ती से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उस आदेश की बात करें तो सीएम योगी की तरफ से कहा गया कि यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम और पहचान लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। मामले पर जहां विपक्षियों ने ऐतराज जताया वहीं एनडीए गुट के लोगों को भी योगी की ये नीति पसंद नहीं आई। दरअसल केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने इसका पूर्णतः विरोध किया और योगी के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। दरअसल कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम को लिखे जाने संबंधी फैसले का विरोध बीजेपी सरकार के सहयोगी दल ही करने लगे। एनडीए सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस फैसले पर सवाल उठाया। चिराग पासवान ने कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं रहता। इससे पहले एनडीए सरकार के ही जेडीयू और आरएलडी ने भी यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। दरअसल एक मीडिया इंस्टीट्यूट से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैं 21वीं सदी का शिक्षित युवा हूं। मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। मैं अपने राज्य के पिछड़ेपन के लिए इसी कारण को जिम्मेदार मानता हूं। जहां कहीं भी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन है मैं ना तो उसका समर्थन करूंगा और ना ही उसे बढ़ावा दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि मेरे उम्र के किसी अन्य शिक्षित युवा के लिए ऐसी चीजें मायने रखती है चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से संबंधित हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिया कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम का बोर्ड लगना है। इसके बाद शामली और सहारनपुर जिले में ठीक ऐसा ही निर्देश दिया गया। इसके चलते सपा बसपा कांग्रेस जैसी विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध भी किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को सामाजिक सद्भाव का दुश्मन करार दिया। वहीं मायावती ने भी इस आदेश को वापस लेने की मांग की। पुलिस प्रशासन के आदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश भर में कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों के मालिक का नाम पहचान लिखा होना चाहिए। यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी एक्शन की बात कही है। इस फैसले का विरोध न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल कर रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नाम और धर्म लिखने का निर्देश जाति और संप्रदाय के भेदभाव को बढ़ाने वाला कदम है। उन्होंने इस निर्देश को वापस लेने तक की मांग भी की। वही जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा कि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाला कोई भी आदेश नहीं जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस आदेश की समीक्षा करने की भी मांग की है।